हीर आँखियाँ जोगियाँ झूठ बोले कौन रुठड़े यार मनावदाए ऐसा कोई न मिले मैं ढूंढ दी रही छोड़ के न जा चलो उठ तेरी पेशी है आज रिहाई का हुक्म हो गया जी जज बताएगा सितारा इफ्तखार भाई को पता चल गया ना कि शाबो यहाँ है बहुत बुरा होगा मुझे भी तेरी बड़ी याद आती है मैं भी नहीं भूली थी तुझे शर्म आती है मुझे कहते हुए कि तू मेरी बच्ची की माँ है तलाक देता हूँ मैं इसको शाहबरी किसी को बताने की जरूरत नहीं है ठीक है कि गांव आ गए थे भाग के समझ आ गई है ना और आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करनी कसम से हो कसम खाओ हस्बैंड जी आप यहाँ तुम सईदा हो जी शाबू गांव आ गया था इसको वापस छोड़ने आई आप भी आइए ना इफ्तखार को बताने की जरूरत नहीं है कि ये गांव आया था भागी जी मैं समझती हूँ आइंदा शाहब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा कसम दे दी उसने मुझे आप फिक्र ना करें वो यहीं रहेगा तुम्हारे पास फिक्र करनी चाहिए मुझे बिल्कुल भी नहीं शाबू मेरा भी बेटा मेरा सब कुछ तो बांट दिया तुमने इसके भी बात है ऐसा ना कहें मैं आपकी कमी तो दूर नहीं कर सकती लेकिन एक वादा करती हूँ कि मैं शाबू तक कोई दुख कोई तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगी मैं चलती हूँ जो मैं तुम्हारा वादा याद दिलाती रहूंगी यास्मीन जी मैं वाकई नहीं जानती थी कि इफ्तिखार ने आपसे इजाजत दिए बगैर मुझसे शादी की मर्द इजाजत नहीं मांगते शहाब अली का ख्याल रखना चलें घर सब्जी नहीं है यहाँ पर वो तो मैं घर बुलाया मैं जाके ले आऊं नहीं नहीं तू यहीं पर रुक घर पे कोई नहीं मैं जाता हूँ ठीक है बैठो मैं पानी लाती हूँ तो अब क्यों रो रहा है मेरा बेटा अब्बा जी मुझे मानेंगे ना अच्छा किस बात पे
जब उन्हें पता चलेगा कि मैं स्कूल से भागकर गांव चला गया था तो वो बहुत गुस्सा होंगे। तो ये आपने पहले नहीं सोचा था? गलती हो गई। और अगर इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए फिर क्या करना चाहिए? अम्मी जी कहती है उसे माफ कर देना चाहिए। तुम्हारी अम्मी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब्बा जी मुझे माफ नहीं करेंगे। हाँ, अगर उन्हें पता चला कि तुम उन्हें बताए बगैर अकेले ही वो भी स्कूल से भाग के गांव चले गए फिर तो वो माफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें पता ही ना चले, मैं उन्हें बताऊं ही ना। लेकिन शाबू मेरी जान, बाकी बातें अपनी जगह, पर आपको ये एहसास तो होना चाहिए ना कि आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? अच्छा ना, गलती हो गई, माफ कर दें। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस बार माफ कर दें। तुम ये जो बच्चे हो ना, तुम लोग को पता नहीं कि तुम माँ बाप के लिए क्या चीज हो। तुम्हारे अब्बा जी की ना जान तुम्हारे अंदर है, अब मेरी भी। और अपनी अम्मी जान के बारे में नहीं सोचा है? चलो मेरा नहीं तो अम्मी जान का तो सोच लेते। आपका क्यों ना सोचूंगा, आपका भी हक बनता है, मेरी पिटाई कर ले। तो फिर पिटाई कर दूं? पहले खाना खिला दे फिर पिटाई कर ले। लाती हूं। तो देता जा, खुदा हाफिज। लंबा हाथ करके ऐसे मारते, ऐसे सारा गंद एक पासे जाए। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया शाइना। किस बात का शुक्रिया? अगर तू ना होती तो ये तो घर बिखर गया था। ये तो मेरा अपना घर है ना, मेरे अपने बच्चे हैं। आसमीन बाजी, इतनी देर हो गई तूने सोना नहीं है? तू रो रही है?
क्यों परेशान है? तो क्या हुआ तुझे? परेशान ना हो, ऐसे कभी कभी ना दिल भर आता है। ले, तू तो बिखरने वाली नहीं है, ढेर तो मैं होती हूँ, तू तो मजबूत है, क्यों रो रही है? फिर चाबू चला गया ना, अजीब सा लगता है। पगली, औलाद है ना तेरी, आ जाएगा वापस, तू फिक्र ना कर। मैं बात सोची है, ओ लेडी लुडी वाला क्या काम करती हो तुम? वो सोचा कि वो शुरू कर दूंगा। अच्छा, पढ़ाई लिखाएगी मुझे? तो और क्या हो रही थी, पढ़ू ना, स्कूल ही नहीं गई, भेजा नहीं अब बिना, तुझे तो पता है। हैं? हाँ। तेरे फिर मैं भी बैग पकड़ के ना तेरे साथ जाऊं। चल। हैं? हाँ ना। चल चल। चुप चुप हो जाओ, नहीं नहीं रो नहीं रो, बस 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 बस, आ जाओ आ जाओ, नहीं रो नहीं, बस 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 बस, चुप 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 चुप, इधर आओ इधर आओ, मैं भी आई दूध लाकर आपके लिए, चुप चुप नहीं रो, बस ये लो ये लो ये पियो, नहीं रो नहीं रो, बस बस बस, अरे ये रो ये पियो, ये इधर आओ इधर आओ, ये पियो, नहीं रो नहीं रो नहीं रो नहीं, बस। वो क्या कर रही है तू? क्या किया तूने इसके साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया, इतना गर्म हो रहा है, कब से रो रहा है, बता रहा भी नहीं है इसे क्या हुआ। अब ये तुझे बताएगा? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे क्या हुआ है? इधर पकड़ा। इसने मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए, फिर भी मैं इसका ख्याल रख रही हूँ, और तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? इसकी तबीयत कब से खराब है और तुम खुद अभी आए हो। चुप कर। चल यासमीन बाजी की तरफ, वही बताएंगे इसको क्या हुआ है। हेलो यासमीन बाजी। जी जी, कर रहे थे बाजी? पता नहीं, सारे ने मुझे बताया कि सुबह से टीपू उल्टियां कर रहा था और अभी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको डिस्पेंसरी लेके जा, मैं वहीं आ रही हूँ, जल्दी जा। वही तो लगता है सारा सारा का क्या धरा है। अच्छा फजूल की बातें ना कर, जा मैं आ रही हूँ। ठीक है बाजी, ठीक है। डॉक्टर बाजी देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया। क्या हो गया बाजी? पता नहीं, इसकी तबीयत खराब हो गई, पीला पड़ा हुआ था पूरा। पता नहीं आपके बच्चे को क्या हुआ, बेहतर है कि आप इसको शहर ले जाएं। इसका रंग देखे क्या हो गया, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि डॉक्टर नहीं है? आप थोड़ी देर इंतजार कर लें, डॉक्टर साहब आती होंगी। बाजी अब क्या करूं, डॉक्टर भी नहीं है। नसीब, इसको शहर पहुंचाओ जल्दी, चाहो कुछ किसी चीज का इंतजार ना करो, इसको जल्दी से शहर लेके जाओ। बाजी आप जाएंगी साथ? मैं कैसे आ सकती हूँ, शाहिना की तबीयत भी तो इतनी खराब है, इसलिए तुम किसी को ना इसको ले जाओ पहले। मेरे गुड्डे को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा बच्चे, कुछ नहीं होगा तुम्हारे गुड्डे को, जल्दी जाओ, मुझे फोन कर लेना वहाँ पहुँच के सब खैरियत है कि नहीं, ठीक है ना? जी बाजी। बस हौसला रखो। बच्चा मार के ले आते हो और हम अस्पताल वालों पे इल्जाम लगाते हो कि हमने मारा है, हमें अपना काम करने दो। तूने टीकू को मार दिया।
हाँ हाँ नसीब बताओ। यास्मीन बाजी, यास्मीन बाजी टीपू पर गया। क्या कह रहे हो? यास्मीन बाजी सारा ने मार दिया उसे। मैंने गुड्डे को नहीं मारा है, वो तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था। तूने मारा है टीपू को, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाइना, चाइना, टीपू नहीं रहा। कितनी खराब है, मेरा टीपू भी चला गया। चाइना, चाइना, बस हिम्मत कर, तू हिम्मत कर। मैं जा चुके जा रही हूँ, इससे पहले कि वो सायरा को कुछ ना कर दे। मैं आती हूँ, बस मेरा बच्चा हौसला कर। अरे याला मैंने टीपू को नहीं मारा है नसीब, मैं तो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। तो तूने टीपू को तड़पा तड़पा के मारा था, मैं भी तुझे इसी तरह तड़पा के मारूंगा। मैं नहीं मारा सर, ये मैं छोड़ो मुझे। किस मनहूस को मार दूंगा मैं? क्यों? इसने मेरे बच्चे को मारा है। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने कुछ नहीं किया है। अब सजा के डर से झूठ बोल रही है ये। क्यों मारेगी वो तुम्हारे बच्चे को? ये नफरत करती है ये उससे। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उसे नफरत नहीं करती हूँ, वो तो मुझे सबसे प्यारा है। चुप कर तू, जबान निकालूंगा मैं तेरी। आईसीयू के बाहर क्या झगड़ा कर रहे हो आप? अंदर मेरा बच्चा है, तू खुदा के लिए उसका मुझे पता बता दो कैसा है वो। जो अंदर आईसीयू में है वो तुम्हारा बच्चा है? जी जी, उसका नाम ही टीपू है। और इसी ने इसकी वो हालत की है। इसको सिर्फ इसलिए लेकर आया था कि उसका ख्याल रख सके, और इससे वो तक नहीं होता। क्यों डांट रहे हो अपनी नौकरानी को? ये मनहूस मेरी बीवी है। चाचा, चाचा, अगे अगे, चाचा उठे, अगे ना देने राम ना लाडनो, चाचा उठे, मैं हूँ यास्मीन, कर सराय की है, कौन है? यास्मीन हूँ चाचा, उठे, यास्मीन, तू किस तरह आई है? चाचा टीपू गुजर गया। अभी मेरी नसीब से फोन पे बात हुई है। ये किस तरह है? मैं मार था, रात में मेरी फोन पे बात हुई थी तो उसको छोटे अस्पताल में ले गए थे डिस्पेंसरी में, किसी ने उस बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया। अभी वो लोग बड़े अस्पताल में शहर ले गए, वहीं पे। बड़े अस्पताल शहर में? नसीब टीपू की मौत का सारा इल्जाम सारा पे डाल रहा है। सारा ने तो ब्याह ही उसकी टीपू की वजह से। मुझे पता है ना, लेकिन नसीब को कौन समझाए? वो कैसे इल्जाम ले सकता है, दिमाग खराब है। मैंने ती जो है ब्याह में दी है, बेची नहीं है। अब मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा, उठे समझाए उसे, कुछ करें। सारा का सारा इल्जाम सारा के सर पे डाल रहा है। पहले भी ऑल फॉल बोलता था, अब तो इसको मौका मिल गया टीपू की मौत के बाद। समझाऊंगा मैं, कोई किस तरह इस तरह की बात कर सकता है? उस बच्ची को भी कुछ कर लेगा वो।
नाराज मुगा ना लेके जाना है चाचे पर जल्दी करें मराद और मराद कहाँ है मैंने उन दोनों को आईसीयू के बाहर बिठाया वहां पर बैठे हैं साहब गुस्से में था तो वो हो गया इसको कहां लेकर जा रहे हो अभी मैडम सवाल करेगी बच्ची से गिरफ्तार कर लो इसे बेटा घबराओ नहीं उसको सिर्फ इस वजह से पकड़ के लेके जा रहे हैं कि उसने तुम्हारे साथ शादी की है उसको कुछ नहीं करेंगे और तुम अब हमारे साथ रहोगी पर मेरे गुड्डे का क्या होगा उसको डॉक्टर साहिबा देख लेंगे इतनी छोटी लड़की से तुमने शादी कर ली शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर मैंने जबरदस्ती शादी नहीं की उसकी रजामंदी थी उसके अब्बे ने ब्याह करवाया है साहब मेरा कोई कसूर नहीं बड़ी मुश्किल से जमानत कराई है तेरी मैं तो कहता हूँ कि तू शहर चला जा देखिए आप लोग किसी प्रेशर में होंगे लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे इतनी छोटी बच्ची की इस उम्र में शादी करना कानूनन जुर्म है वो बच्चा जो भी मरा है उसके माँ बाप किधर है वो जो बच्ची को अपने साथ लाया था हाँ मेरी बहन है वो बीवी है उसकी फिर तो तुम्हें भी उसके साथ जेल जाना चाहिए किधर है वो लोग बताती है कि नहीं जबान संभाल कर बात कर ये तेरा घर नहीं है जहाँ तू चिल्लाता फिरे पुलिस को बुलवा कर अभी तुझे अंदर करवा दूंगी शर्म नहीं आती छोटी सी बच्ची की शादी करते हो ये तो अपनी मर्जी से की है उसने जबरदस्ती नहीं की है वो निकाह नाम पे अंगूठा है उसका मुझे ना इतने कायदे कानून पढ़ाने की कोशिश मत करो चलो निकलो यहाँ से पुलिस वाले आए थे उसको ले गए हैं और वो जेल में है हैं जेल में चला गया क्यों छोटी सी बच्ची के साथ निकाह किया है गिरफ्तार करके ले गए हैं उसे मैंने किया क्या माफ कर दो जाने दो बड़े बड़े मुजरिमों को सुधारा है एक और सही साहब मेरा जुर्म क्या है साहब ये जवाब साहब को देना ये शख्स है वो जी सर जिसे एनजीओ वालों ने भेजा है जी सर इतनी छोटी लड़की से तुमने शादी कर ली शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर साहब मैंने जबरदस्ती शादी नहीं की उसकी रजामंदी थी उसके अब्बे ने ब्याह करवाया है साहब मेरा कोई कसूर नहीं इतने छोटे नहीं हो तुम साहब अभी मेरा बच्चा मरा है मैं बहुत परेशान हूँ साहब मुझे जाने दो और ये एनजीओ वाले जो तुम पर पर्चा कराने वाले हैं तो खाक बचोगे तुम और वो लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ है नहीं नहीं साहब वो मेरे बच्चे की माँ नहीं है उसकी बड़ी बहन बुशरा मेरी बीवी है वो मर गई इसके साथ मजबूरी में शादी करनी पड़ी है साहब मेरा कोई कसूर नहीं है साहब 8-9 साल की लड़की अपना अच्छा बुरा समझ सकती है स्कूल जाने की उम्र है उसकी साहब हमारे यहाँ इतने उम्र की बच्ची समझदार हो जाती है घर का भी काम शाम सारा संभाल लेती है साहब इसकी बड़ी बहन बुशरा जो मेरी बीवी थी उसकी भी शादी इसी उम्र में हुई थी साहब इरफान खान जी सर ले जाओ इसे चल भाई साहब माफ कर दो साहब 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 माफ साहब साहब माफ कर दो साहब
साहब मैंने किया क्या है? साहब मैंने किया क्या साहब? चलो सारा बेटा उठो, शाबाश, खाना खाओ और पानी पियो। मुझे खाना नहीं खाना। क्यों? मुझे घर जाना है। घर भी चले जाना, पहले आराम से खाना खाओ। मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे घर जाना है। अगर नसीब बुरा है तो आप मुझे मेरे अब्बे के घर भिजवा दें। भिजवा देंगे घर, परेशान नहीं हो। अच्छा ये बताओ, नसीब को कैसे जानते हो? पहले उससे बुशरा बाजी की शादी हुई थी, अब वो मर गई तो अब्बा ने उससे मेरी शादी करा दी। रिश्तेदार थी वो तुम्हारी? नहीं, बड़ी बहन थी वो मेरी। तुम खुश हो इस शादी से या घर वालों ने जबरदस्ती की है तुम्हारे साथ इस शादी में? अब मुझे घर जाना है, आप मुझे वहाँ भेज देना। तुम्हें घर भेज देंगे, पहले बताओ। अब्बा को सब पता है, आप उनसे पूछ लें या फिर नसीब से पूछ लें। उनसे भी पूछ लिया जाएगा, पहले तुम बताओ। और खबरदार जो उनको बचाने की कोशिश की। अभी वो मसरूफ बैठे हैं। मैं छोटी जी गल करनी है, मैं की लम लम। मलिक साहब और... मलिक साहब मैं बख्शू। आने दो, इसे आने दे। मख्शू जनाब, वो क्या मुसीबत पड़ गई है? शाम का इंतजार नहीं होता था? मलिक साहब। अच्छा बोल बोल। बड़ी मुसीबत पा गई है मलिक साहब। मेरा पुत्र है सर, आप तो बड़े आदमी हैं सर, आपके लिए तो बड़ी छोटी मामूली जी गाले किए करना। ए, बंद करो चापलूसी, मुझे पता है सब। क्यों ले गई पुलिस? क्या गलत काम किया उसने? अजी वो उसका पुत्र है टीपू, उन्हें लेके गए थे ना अस्पताल। थे अस्पताल लेके गए ने जी, ते वो अगो वो कहंदा जो डॉक्टर ने कहा कि जी इसको शहर ले जाओ, वो शहर लेके गए ने जी। आपको याद होगा कि मैं ब्याह कराया सी जी नसीब दा सहरा के साथ। सहरा तो मेरी पोती की सहेली है, वो तूने उसका भी ब्याह कर दिया है। वो नसीब की बीवी किधर है? फौत हो गई थी मलिक साहब, इसीलिए तो मैंने ब्याह कराया था सहरा के साथ। वही ना जिसपे यास्मीन ने बड़ा रौला डाला था, है? बस जी वो यही हुआ मलिक साहब, वो उधर अस्पताल में थे, उधरों पता नहीं वो बुढ़िया आ गई। वो जी वो जो क्या होता है एनजी
जीओ नहीं है, मरो एनजीओ। वो जी वही इदारे वाली हम को औरत ना आई ने वो जी उसको सहरा को नाल ला गई ने। ये जो शहर की लड़कियां होती है ना, चार किताबें पढ़ के अपने सर पे सवार कर लेती है, अंदर कुछ नहीं होता। मलिक साहब असि तो एवं ना खप गए हैं, आप बड़े आदमी हैं, ताल्लुकात ने तुहाडे तुसी जरा जिहा बस साढ़े लिए गरीबां लिए। ओए ओए एसपी से पता करके कहां लेके गए हैं उसे? जी मलिक साहब। अच्छा चल तू जा, मैं देखता हूँ। मेहरबानी मलिक साहब। कितने वोट हैं इसके? मलिक साहब पूरे 42 वोट हैं। 42 है, फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा। अच्छा जा तू गाड़ी निकलवा, आता हूँ मैं, चल जा। अगर मर्द है तो जनानियों की तरह बात बात पे आत्माओं की भूल जाते हैं तेरे। हम समझे बच्चे को पता नहीं क्या यार वो टीपू ना, तेरा बच्चा निराला है, बोल सिंह है कि नहीं? उसे बता दिया नर्स को। अजब्बा मलक के पाँव ना पड़ता, जेल में सड़ा ना तू। यार मैं क्या करता, परेशान हो गया था, कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किए। नसीब तो तेरे नसीब अच्छे हैं, जेल में चला जाना था तू, बच गया। ओए खलो जा, तेनू आंदा की है? जनानी आ जाए। देखो अब की बार तो मैंने जैसे तैसे करके मामला रफा दफा करवा दिया है, आइंदा ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए रिपीट। हमारे साथ यकीन रखो वाले नहीं पैदा होता था। ये जो एनजीओ वाले होते हैं ना, ये जिसके पीछे पड़ जाए फिर कब्र में उतरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। मले साहब तुहाड़ा बड़ा करम है मान नाल के आपने हम जैसे गरीबों का। कोई मेहरबानी नहीं, बस ये फर्ज है मेरा। अब देखना इस पिंड की इज्जत जो है वो मेरी इज्जत भी तो है ना, और फिर तुम लोग भरोसा भी करते हो मुझ पर, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। मले साहब सर जैसा आपका हुक्म है मान नाल। सुना अब उसे इस पिंड से बाहर नहीं जाने देना, वरना ये मामला जो है ये मेरे हाथ से भी निकल जाएगा, और उसका ध्यान तुमने रखना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मलिक साहब जिस तरह मैं दानू किया है बिल्कुल। ओए ममलू को शाम को हवेली में बुला है। ठीक है मलिक साहब, जा। ये आप क्या कह रहे हो? आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? हमें इन्फॉर्म के बगैर आप उसको कैसे रिहा कर सकते हैं? प्लीज ये चाय वाय पीजिए, मैं सारा मामला अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उसे हवालात में बंद रखने का हमारे पास कोई रीजन ही नहीं मिला, और फिर हम उसे यहाँ कैसे बिठा सकते थे? हम आपको इस बारे में बता चुके हैं, बल्कि नर्स ने भी इस बारे में आपको बयान दिया है कि वो उसकी बीवी है, और बल्कि सारा भी इस बारे में बयान दे चुकी है। वो सिर उसके निकाह में है, अभी रुख्सती नहीं हुई है उसकी, और वैसे भी सेक्शन 169 के तहत हमें उसे रिहा करना पड़ा, तो उस पे कोई चार्ज भी नहीं बनता था ना। क्या आप जानते हैं कि वो उसकी दूसरी बीवी है और वो उस बच्चे से कई गुना बड़ा है? मुझे मालूम है उसकी बहन का इंतकाल हो गया था, मगर वो जिस बच्चे को लेकर वहां गए हैं वो उसी का था। देखिए आप लोग किसी प्रेशर में होंगे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इतनी छोटी बच्चे की इस उम्र में शादी करना कानूनन जुर्म है। ओए ममदू, समझ गया ना मेरी बात? कौन सी बात मलिक साहब?
देख तू इस पिंड में रहेगा तो पकड़ा जाएगा, बड़ी मुश्किल से जमानत कराई है तेरी। मैं तो कहता हूं कि तू शहर चला जा, शहर में एक जमीन पे हाथ रखा है मैंने, सिकंदर और उसके बंदे बैठे हुए हैं, जा तू भी उसके साथ जाके बैठ जा, जा शाबाश मेरे पुत्र। ठीक है मलिक सर, जो आपका हुक्म। जा मेरे पुत्र। शहीना, शहीना, ये देख, ले, देख ना माँ की दुआ पूरी हुई ना, हैं? अब अल्लाह से गिला ना करना, अब अल्लाह से गिला ना करना, हैं? यास्मीन बाजी, चल जा, जा। बाजी वो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कितने काम आती हैं। देख नसीब, मैं पहले भी कहा सी, सारा बच्ची है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको देना ना ये गलत काम है, ये सही नहीं है। अब उसे इल्जाम देना भी गलत होगा। ठीक है, ठीक कह रही हैं आप। तुम दोनों के बीच में जो भी हो रहा है ना, बड़े परेशान हैं हम सब इसकी वजह से, ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं चल रहा था। नहीं वो बैटरी खत्म हो गई थी बाजी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही नसीब, मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही, ये सब कुछ कैसे होगा, इस बच्ची से तुम्हारा घर कैसे संभलेगा। बाजी वो मैं शाहिना से शादी करना चाहता हूँ। तुझे पता है भाभी, अब मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाऊंगी, डॉक्टर बनूंगी, मेरी तलाक होने वाली है। खुल के बात कर, क्या कहा उसने? शाहिना से शादी करनी है तो फिर सारा को तलाक देनी होगी। अरे बारा, अरे औरतों ने खराब कर दिया, तू समझती क्या है? क्या हुआ है, क्यों आए हो सारे यहाँ? चार जमातें की पढ़ रही है, हमें सबक सिखाने आ गई हो, मेरी बेटी का घर पर बात करोगे? मेरा यकीन माने, मैं वही फैसला करूंगा जो हमारे हक में बेहतर होगा। अजय फैसला हो गया, फैसला ये है कि सारा के नसीब में तू है और तुझे ही होना चाहिए। नसीब दा ब्याह कर देने हैं, पागल हो गया। मुझे बच्चे ने कुछ हो जाता सारा की गलती से। फिर नसीब ने मेरा रिश्ता मांगा, आपने मुझे बताया ही नहीं। मैंने शर्त रखी है। क्या रखी? सारा की तलाक। सारा तो बच्ची है, इसलिए तो मैं तलाक दिलवाना चाहती हूँ। हीरे आँखें जो किया झूठ बोले, मना